आज है 15 अगस्त 2022 और इस वक्त टाइम हो चुका है 2 बजे का। तो मैंने सुबह अपनी यात्रा जो है ये पठानकोट से स्टार्ट की थी और अभी मैं हिमाचल बॉर्डर के अंदर जो है कम से कम 4-5 किलोमीटर ही सफ़र कर पाया हूँ। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि इस रोड के ऊपर आज कितने ज़्यादा जो है लोग वो ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे मनी मेज की यात्रा चलती है, चंबा बरमोर में मनी मेज की यात्रा चलती है। तो ये जो जितने भी लोग हैं, टूरिस्ट हैं, साथ में मनी मेज के यात्री हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और आज रात से पिछले कल रात लगभग 6 बजे से ही बरसात स्टार्ट हो गई थी। और आज इस रोड की क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पर ये रास्ता खुला मिला और कहाँ कहाँ पर बंद मिला, इसकी जानकारी भी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर। तो ये अब हम हिमाचल में एंटर हुए हैं। तो जो ये हिमाचल से एंट्री से पहले का जो ये 2 किलोमीटर पहले जो है ये रास्ता जो है आज लगभग बंद रहा, कटोरी के पास 2 घंटे तक लगभग ये रास्ता जो है बंद रहा। आज है 15 अगस्त 2022 और दिन है आज सोमवार का और इस वक्त जो है 12:40 जो है ये हुए हैं। तो यहाँ से जो डलहौजी है ये देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, से ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बनी खेत 25 किलोमीटर है और डलहौजी 31 किलोमीटर है और चंबा यहाँ से 71 किलोमीटर है और बरमोर यहाँ से 134 किलोमीटर। ये मैं अभी हिमाचल में एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले जो पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर ये जो है रास्ता बंद मिला। ये पठानकोट चंबा डलहौजी खजियार बरमोर रोड जो है ये लगभग 2.5-3 घंटे के लिए जो है ये बंद रहा कटोरी के पास। कितनी देर हुई फंसे आपको इधर? आधा घंटा। कहाँ से आ रहे थे आप? डलहौजी से पठानकोट। अच्छा, आधा घंटा इधर आपको फंसे हुए हो गया है। ये खुद ही लोगों ने खोला फिर रास्ता है ना? तो कहाँ से किया ये जो जैसे काटने कूटने के लिए, इसके लिए अच्छा ऐसे खींच खुच के गाड़ियों से रस्से रुस्से निकाल के जो है ये रास्ता खोला है। ये पठानकोट नेशनल हाईवे कटोरी के पास पंजाब के बॉर्डर पे ही है ये, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर ही है। आप कितनी देर से फंसे थे? हो गए 3-4 घंटे। 3-4 घंटे आप बस में हो गया? नहीं, आपकी कौन सी गाड़ी है? इनोवा है, आप पीछे। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से। दिल्ली से डलहौजी जा रहे हैं? नहीं, हाँ खजियार से आ रहे हैं। खजियार से आप दिल्ली जा रहे थे वापस और 4 घंटे से फंसे हुए हैं? हाँ। कितने बजे फंस गए? 4-4 घंटे से जो है इधर लोग फंसे हुए थे और अपने आप ही रास्ता खोला है ये, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई। अच्छा ये गाड़ी है इनकी, अच्छा ये गाड़ी है इनकी। तो ये 4 घंटे से लगातार इधर जो है ये फंसे पड़े थे। ये पठानकोट से डलहौजी चंबा खजियार के लिए जो रास्ता जाता है ये बॉर्डर के पास लगभग 3-4 घंटे तक जो है ये बंद रहा। लोगों ने अपने आप ही इस रास्ते को जो है ये खोल के निकाला है। तो इतने सारे अच्छा ऊपर क्रॉस करके परली साइड तक गुजरा है ना। तो ये लोग जो है ये डलहौजी से पठानकोट की तरफ जो है ये गाड़ियां जाती हुई है। तो इतने लोग 15 अगस्त के लिए डलहौजी में घूमने के लिए आए हुए थे। तो ये देखिए ये सारे लोग जो है ये डलहौजी चंबा खजियार की तरफ से पठानकोट की तरफ जाते हुए वापसी करते हुए ये देखिए। ये बाप रे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ। सर आपकी कहाँ है गाड़ी? आप कितनी देर से फंसे थे इधर? हो गया आधा घंटा हो गया। अच्छा आधा घंटा हो, कहाँ से आ रहे थे आप? हम तो वहाँ से आए अपने डलहौजी से। अच्छा डलहौजी से आए, कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से। कितनी देर फंसे आप? 2 घंटे से। 2 घंटे से फंसा हुआ हूँ। 2 घंटे में हम टोटली 30 किलोमीटर चले हुए हैं। अच्छा हाँ जी। यहाँ लगभग कितने बजे के आसपास पहुँच गए थे आप? यहाँ पे हम पहुँच गए थे 10:30 बजे। 10:30 बजे हाँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:15 बजे। 12:15 बज रहा है। अच्छा तो कहाँ से हैं आप? हम बनीखेत से हैं। अच्छा बनीखेत से हैं? हाँ जी हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं? बस हम पठानकोट जा रहे हैं। तो ये देखो 4-4 घंटे से इधर लोग फंसे हुए थे। तो ये एक तरफा जो रास्ता है ना ये खुद ही लोगों ने, जो ड्राइवर थे उन्होंने किया, अभी ये फॉरेस्ट वाले लोग आए हैं तो अब तो खुल जाएगा खैर जल्दी।
चलिए आप तो लगे हुए भी हैं, अब हम निकल भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बस बस ये मायावी सर, ये अब 4 घंटे के बाद ये फॉरेस्ट वाले आए हैं, अभी भी सड़क वाला कोई नहीं आया, रोड वाला ना। अच्छा, ये फॉरेस्ट वाले आए हैं तो वो अब ये स्थिति है पंजाब की। ये पंजाब है। अच्छा, ये पंजाब के एंट्री हुआ ना अभी। हाँ, कहाँ पर रास्ता बंद है? ये बस यही बंद है, बाकी हिमाचल में कहीं बंद नहीं है। जैसे हिमाचल से हमें एंटर होते हैं पंजाब में, ये कटोरी के पास, तो 1 किलोमीटर के बाद ये पंजाब का हिस्सा है ना। हाँ जी हाँ जी, पंजाब का हिस्सा है दुनेरा के पास। हाँ जी, पंजाब का हिस्सा है। और बाकी हिमाचल में कहाँ है गाड़ी? पीछे बस में। आपकी कौन सी है? बस में आ रहे हैं। अच्छा, आप आ रहे हैं बस में? कहाँ से? पठानकोट। पठानकोट से कौन सी बस? चंबा वाली, डलोजी वाली? भरमौर वाली। मनी महेश जा रहे हैं आप? हाँ मनी महेश। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो इसकी तो पहले रोड की कंप्लेंट है ना, कटोरी से जैसे आगे चलते हैं तो ये बड़ी बुरी हालत है इसकी पंजाब। बहुत ही ज्यादा बुरी हाल है। हाँ। कटोरी से तो नीचे दुनेरा तक आते आते इतनी जगह रोड बैठ चुकी है। कैंप जैसा था पहले उधर, पता नहीं कितने लोगों के दांत टूटते थे, वो किसी ने देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी किसी ने नहीं देखा। गाड़ियां ऐसे जंप करती थी जैसे खाई में जा रही है, सभी को पता नहीं होता है। तो वहां से तो कितने हादसे हुए उधर, कितने ये पेड़ गिर न जाए ऊपर से ना, इधर थोड़ा अनसेफ है इधर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इधर इनको ट्रैफिक ये रोकना नहीं चाहिए। वैसे कितने बजे फंसे थे? कितने बजे रुके थे? पौना घंटा हो गया। बड़ी गड्डी तो आड़ी फंसी थे पहली ना। ओए नहीं गड्डी भाई, मेरी गड्डी वो अलग ही थी। अच्छा, तो आड़ी पहल की है ये दिल्ली वाली बस इन्हों की है। दिल्ली वाली बस थोड़ी है सर, क्या टाइम है थोड़ा डलोजी पुजने का? टाइम हो गया जनाब। कितने बजे पुजते वैसे? सवा बारह डलोजी पुजते थे, और सवा बारह तो अभी इतने हो ही है ना अज है। ये रास्ता बंद हो यार, अजे भी बूटा आने वाला उसे चाई लिया कर देना ना, फटाफट टपाई लियो है वो आने वाला चाई लिया कर दी। पता ही चलिया तू इस। अच्छा, उपला रास्ता बंद है उपला भी? हाँ, न्यू प्रेम भी इस रास्ते गई है। ये 12:30 बजे जो है ये रास्ता क्लियर हो पाया है। अभी यहाँ पर सभी लोग पहुँच गए हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और पुलिस के लोग भी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी कि यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। लोग आमने सामने गाड़ियाँ खड़ी करके जो है वो किसी का कहना नहीं मान रहे थे। तो 12:30 बजे के आस पास जो है यहाँ पर पुलिस पहुँची, और फिर ये जाकर जो है ये रास्ता क्लियर हो पाया है।